नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे सम फंक्शन के बारे में, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट है दोस्तों यूजिंग ऑटो सम बटन। इस केस में आपको क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेल में, अगर आप जैसे कि आप देख सकते हो टेबल है जिसमें मार्क्स लिखी हुई है, स्टूडेंट के नेम है और इंग्लिश मैथ आर्ट साइंस में कितने कितने मार्क्स इनकी आई हुई है, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है। यहाँ पर सम है जो कि टोटल करके आपको देगा कि इन सब का सम कितना आएगा, वो यहाँ पर आपको शो करना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट आप एक सेल सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर आपको सम चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटो सम का ऑप्शन है, जस्ट आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे जिस सेल को आपने सेलेक्ट किया था उससे ऊपर जो भी क्वांटिटी लिखी हुई थी वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई है और जस्ट आपको एंटर करना है। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो टोटल आपके सामने है। सेम चीज आप यहाँ पर भी परफॉर्म कर सकते हो, जस्ट आपको ऑटो सम करना है और एंटर टाइप करना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर भी सेम फंक्शन हम यूज करेंगे। अगर आप इसको सिंपली ड्रैग भी करते हैं, जैसे मैंने ये फंक्शन सेलेक्ट किया, ये सेल को मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया यहाँ पर आप देख सकते हो एक प्लस साइन आ रहा है। इसको मैं ड्रैग करते हुए यहाँ तक जी तक लेके जाऊंगा, जैसे ही ड्रैग किया तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा, वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियोज में कवर करेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन जो था वो ऑटो सम का यूज करके था। सेकेंड हम बात करेंगे मैनुअली टाइपिंग द सम फंक्शन। अब इस केस में क्या होगा, आपको टाइप करना है यहाँ पर फंक्शन। सबसे पहले आप इक्वल टाइप करेंगे, उसके बाद आप टाइप करोगे सम। जैसे ही सम आएगा आपको टैब बटन दबाना है। टैब बटन दबाते ही आपको क्या प्लस करना है, जैसे मैं इस कंप्लीट कॉलम में जो भी नंबर है उनको ऐड करना है। तो मैंने पहले D3 सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद प्लस का साइन दिया है, फिर सेकेंड D4, नेक्स्ट D5, नेक्स्ट D6 और देन एंटर। तो ये थोड़ा सा मैनुअल प्रोसेस रहेगा दोस्तों। तो आपके पास मल्टीपल फंक्शन है, मैं आपको जस्ट यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास किस किस टाइप से आप सम फंक्शन को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये जो सम फंक्शन है एक और तरीका है इसका। जैसे आप SUM करेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट होगा टैब दबाते, तो आप जस्ट एक सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद दोबारा से ब्रैकेट को बंद करिए या फिर एंटर दबा दीजिए, तो आपके सामने दोबारा से जो ये फंक्शन हमने ऑटो सम के साथ यूज किया था सेम फंक्शन हमारे पास। आप यहाँ पे देखेंगे, अगर अगर आप यहाँ पे देखिएगा कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज किया है सम, फिर एक एक करके पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट किया जिसको भी हमें ऐड करना है और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट हुआ है। ये फॉर्मूला सेम है ऑटो सम फंक्शन का जो हमने यहाँ पे यूज किया था। तो अगर मैनुअली आप टाइप करना चाहते हो तो इक्वल टू सम और रेंज एक सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद एंटर टाइप कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हमारे पास है यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट। अब कीबोर्ड शॉर्टकट से आप कैसे सम करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, मैं यहां पर एक बार डिलीट कर देता हूँ सारी चीजें। आपको ऑल्ट टाइप करना है और प्लस उसके बाद इक्वल साइन बटन। जैसे आप एंटर करोगे तो जो सम ऑटो सम फंक्शन था वो आपको ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा वाया कीबोर्ड के। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास यूजिंग द स्टेटस बार। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। अब अगर आप कोई भी सेल को सेलेक्ट करते हो, जैसे मैंने फर्स्ट सेल सेलेक्ट की थी D3 और लेफ्ट क्लिक को दबा के मैंने कंप्लीट रेंज को सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और ये ग्रीन बाउंड्री आप देख सकते हो यहाँ पे आ गई है। इसका मीन है कि ये सेल कंप्लीट सेलेक्ट है। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर जो स्टेटस बार है यहाँ पर आपको सम भी दिखा रहा है, काउंट भी दिखा रहा है और एवरेज भी शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो जो भी आपने डेटा सेलेक्ट किया है इसका जो सम रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।